फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीलॉग देखा है तो आपको पता होगा कि आज हम कसोल कैंप से चलाल ट्रैक के लिए जा रहे हैं। और अगर आप भुंटर के साइड से या कसोल गार्डन की तरफ से कसोल मार्केट आते हो तो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पंचतारा का बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ से आपको चलाल ट्रैक स्टार्ट करना है। और अगर आप हमारे जैसे कसोल कैंप के साइड से चल के आ रहे हैं तो आपको पंचतारा के बोर्ड से, जो आपके राइट हैंड साइड पर पड़ेगा, वहाँ से आपको चलाल ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसी रूट से जैसे आप आगे जाओगे आपको पंचतारा रेस्टोरेंट दिख जाएगा और उसी के थोड़ा आगे जाके ही आपको चलाल ब्रिज दिख जाएगा। और इस वीडियो में हमने पूरा चलाल ट्रैक कवर किया हुआ है, कहाँ रुक सकते हो, कहाँ रह सकते हो, ये सब कुछ कवर है। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। और चलाल ब्रिज आने से पहले जैसे आप इस रूट पे चलते जाओगे आपको थोड़े बहुत फूड स्टॉल्स वहाँ पे दिख जाएंगे, तो अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। वैसे देखा जाए तो आइडियली चलाल ट्रैक इसी ब्रिज से स्टार्ट होता है और ये ब्रिज काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, बिकॉज इट इज़ लाइक मैंडेटरी कि अगर आप चलाल जा रहे हो तो इस ब्रिज पे एक फ़ोटो तो बनती है। चलाल विलेज जाने के लिए आपको पार्वती रिवर के ऑपोजिट साइड जाना पड़ता है और ये सस्पेंडेड ब्रिज से आप चल के जा सकते हो चलाल विलेज तक, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलते जाना है टूवर्ड्स द विलेज और ये पूरा रूट काफ़ी नैरो है। तो जैसे ही आप थोड़ा आगे जाओगे वहाँ पे आपको एक डाइवर्जन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको नीचे वाला रूट लेना है विच गोज टूवर्ड्स द विलेज और जो ऊपर वाला है इट गोज टू अ होम स्टे। इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे जगहों पे उन्होंने मार्किंग की है, एरो दिखाया हुआ है टू शो वेयर द विलेज रूट इज। इस रूट पे चलते हुए आपको काफ़ी सारे हिमाचली लोग मिलते हैं और आप चाहो तो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। और ये लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। और इनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि वो सभी सामान जो है चलाल के लिए वो कसोल मार्केट से लेके आते हैं, तो उनको ये पूरा सामान चल के लेके आना पड़ता है बिकॉज़ यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती। और इसीलिए चलाल में कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं पर जो चलाल में स्टे है कंपेयर टू कसोल काफ़ी सस्ता है। आपको यहाँ पे बहुत पीस भी मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी और यहाँ का जो होम स्टेज है वो काफ़ी सस्ते हैं। इस पूरे रूट में पार्वती रिवर रूट के बाजू में ही बहती रहती है और ये पूरा रूट जो है वो बहुत ही सीनिक है। इनफैक्ट आपको बहुत मन करेगा कि बहुत जगहों पे रुको और वो नेचर देखो, बिकॉज़ एक साइड पे पूरा पाइन फॉरेस्ट है और एक साइड पे रिवर है, तो आपको ये व्यू देखने के लिए बार बार रुकने का मन करेगा। इस रूट पे भी थोड़े बहुत फूड स्टॉल्स और कैफेज अवेलेबल है जहाँ पे आप रुक के रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हो। मुझे पर्सनली ये रूट बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा हर जगह से। आप थोड़ा चल के आगे जाओगे आपको अलग टाइप का व्यू दिखता है और थोड़ा आगे जाओगे तो और अच्छा दिखेगा, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ कहाँ रुके।
और वैसे ये रूट काफ़ी सीधा है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है, पर इट इज़ नॉट अ स्टीप क्लाइंब। और वैसे देखा जाए तो कसोल मार्केट से अगर आप छलाल विलेज के एंड तक जा रहे हैं तो आपको वहाँ जाने के लिए 40 to 50 minutes लगते हैं, पर अगर आप हमारे जैसे रुक रुक के जा रहे हैं एंड यू आर एंजॉयिंग द व्यू ऑन द वे तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बेस्ट सीजन इस विलेज को विजिट करने का इज द समर मंथ्स, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून। और जैसे ही हम इस पाथ पे थोड़ा आगे चलते गए द व्यू ऑफ द पाथ कम्प्लीटली चेंज्ड। पहले तो नदी थी बाजू में और अभी तो पूरा फॉरेस्ट के बीच में से ये रोड जा रहा था। ओवरऑल ये रूट बहुत ही सीनिक है और शायद इसीलिए बहुत सारे यंगस्टर्स और बैकपैकर्स यहाँ पे आते हैं टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमॉस्फियर। छलाल देखा जाए तो काफ़ी लेड बैक विलेज है और यहाँ पे लोग ज़्यादा करके वन डे के लिए भी आके जाते हैं, बिकॉज कसोल से ये काफ़ी नज़दीक है और आराम से आप यहाँ पे चल के आ सकते हैं। तो लोग यहाँ पे आके कुछ कैफ़ेज़ में जैसे फ्रीडम कैफ़े, शिवा कैफ़े और बहुत सारे अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अच्छा डिलीशियस खाना एन्जॉय करते हैं एंड दे रिटर्न बैक। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो, यहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको अच्छे होम स्टेज और कैंपसाइट्स मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे रहने का बहुत मन करेगा बिकॉज छलाल विलेज बहुत ही सुंदर है। आई मीन यहाँ से जो व्यू है ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स एंड द रिवर बहुत सुंदर है और आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे रहने के लिए इफ़ यू लव नेचर। रूट पे जब आप थोड़ा आगे चल के जाओगे आपको एक डाइवर्जन दिखेगा और इस साइन से आपको जो राइट वाला रोड है वो लेना है, जहाँ से आपको ये लोग चल के जा रहे दिख रहा है वहाँ से आपको छलाल विलेज तक जाना है। और इस रूट पे मस्त एंजॉय करते हुए हम हमारे कैंप साइट तक पहुँच गए। हमने जो कैंपसाइट बुक की थी उसका नाम था ओम हिमालयन कैंप एंड कैफ़े और ये जो मेन छलाल विलेज है उससे थोड़ा पहले है। कैंपसाइट में जो पार्वती रिवर के सबसे क्लोज वाला जो टेंट था वो हमने बुक किया हुआ था विद अटैच वॉशरूम।
एंड काफ़ी सिंपल था बट इट वॉज़ वेरी नीट एंड क्लीन और बहुत ज़्यादा स्पेशियस था। और उन्होंने वहाँ पे रैक दिया था जहाँ पे हम हमारा सामान रख सकते थे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द टेंट वॉज द व्यू फ्रॉम इट, आपको बाजू में ही पार्वती रिवर दिखती है। इट वॉज रियली अमेजिंग। रिवर के बाजू में ही उनका रेस्टोरेंट है और उसी के आगे थोड़ा जाके आप जो ग्रीन कलर के टेंट्स देख सकते हो वो कॉमन वॉशरूम वाले टेंट्स थे, और जितने भी वाइट कलर के टेंट्स थे वो सभी अटैच वॉशरूम वाले टेंट्स थे। यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रुप साइज के हिसाब से टेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े ग्रुप्स आते हैं बिकॉज यंगस्टर्स कम हियर और कैंपिंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज कैंप्स आर बुक। और रिफ्रेश होने के बाद हम रिवर साइड गए थे और जैसे आप देख सकते हो द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस वॉज वेरी नाइस, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे, हमने बहुत एंजॉय किया रिवर साइड पे। और पानी में फुल मस्ती करने के बाद हम ऊपर आ गए थे टू द रेस्टोरेंट, और ये जो रेस्टोरेंट है वो रिवर के बाजू में ही है और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, उनके पास काफ़ी वैरायटी भी है। और खाना खाने के बाद हम थोड़ा आगे चल के गए थे टूवर्ड छलाल विलेज, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था हमारा जो कैंप साइट है वो छलाल विलेज से थोड़ा पहले था, तो हमने सोचा कि हम जाके छलाल विलेज देख के आए। और इसी रूट से अगर आप छलाल विलेज से भी आगे जाओगे तो आप कटागला जा सकते हो और कटागला से आप रसोल भी जा सकते हो। छलाल विलेज में घूमते हुए हमने महसूस किया कि यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट जो इनका डेली रूटीन है उसमें इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और विलेज में थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम वापस हमारे कैंपसाइट आ गए थे, और कैंपसाइट पे आने के बाद वी जस्ट रिलैक्स्ड एंड एंजॉयड द गुड व्यू एंड द पीसफुल एटमॉस्फेयर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कसोल आपके खुद के व्हीकल से आए हैं तो आपको आपकी गाड़ी कसोल के पब्लिक पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी, और वहाँ से छलाल आपको चल के आना पड़ता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप आपके कैंपसाइट वालों से या होमस्टे वालों से बोल सकते हैं, वो आपको एक पोर्टर भेज देंगे और एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट वो आपका सामान लेके आएंगे। और शाम के वक्त तो कैंपसाइट इतनी सुंदर लग रही थी, उन्होंने पूरे लाइट्स लगाए थे एंड देयर वाज म्यूजिक, पीपल वर डांसिंग, एंजॉयिंग, बॉनफायर था, सो पूरे पार्टी वाइब्स थे वहाँ पे एंड वी रियली एंजॉयड द इवनिंग। और रात को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हम थक के सो गए थे, और सुबह जब हम उठे तो हम थोड़ा रिवर साइड वॉक करने चले गए थे और वहाँ से फिर हम ब्रेकफास्ट करने रेस्टोरेंट गए थे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वी चेक्ड आउट ऑफ दिस वंडरफुल प्रॉपर्टी,
और आज हम छलाल से कसोल जाने वाले थे और कसोल में हम रहने वाले थे एट द मेन मार्केट प्लेस, और हम थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले थे द मेन कसोल मार्केट और उसके आजू बाजू जो कैफ़ेज़ है, पार्क्स है, बिकॉज कुछ दिनों से हम कसोल के जो आजू बाजू के प्लेसेस है जैसे कि कटागला, देन छलाल, कालगा, ये सब देख रहे थे, पर हमने मेन कसोल मार्केट नहीं देखा था। तो आज हमने सोचा कि हम मेन कसोल देखेंगे। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड इट विल हेल्प यू टू प्लान योर छलाल ट्रिप। एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करना ताकि हमें पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा है, या आपके कुछ सजेशंस है तो आप हमें दे सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच व्लॉग्स ऑन द पार्वती वैली एंड कसोल ट्रिप। Thanks a lot for watching, friends. Kindly support by subscribing and sharing our channel.